पूरा चुनाव हो रहा है, खासतौर पर यूपी में, यूपी के जितने ज़िलों को मैंने कवर किया, ये चुनाव हो रहा है या तो जाति पर चुनाव हो रहा है, देश पर हो रहा है या तो धर्म पर हो रहा है। दो ऐसी जातियाँ हैं, यादव और कुर्मी की बात करें, जो एक कह सकते हैं कि जो उनका ट्रेंड है उस हिसाब से जा रही हैं, चूँकि जो मुस्लिम है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है और ये हर कोई जानता है। लेकिन कह सकते हैं कि वाकई में जो पूरा इलेक्शन है वो दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि वो इस इलेक्शन में या चुनाव में बाजी मारने वाली है, क्योंकि अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, अगर 2019 की बात करें, तो जो वोट शेयर था बीजेपी का वो 50 से ज़्यादा था। लेकिन इस बार जो इलेक्शन है वो इतना टैक्टिकल हो चुका है और जो जातियों का जोर है, चूँकि अगर हम जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है यूपी की बात करें, तो पूर्वांचल में चूँकि बीजेपी को 22 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, चूँकि कहा जाता है कि पूर्वांचल में जातियों का एक तिलिस्म है जो कोई तोड़ नहीं सकता, और चूंकि अगर हम छठे चरण की बात करें तो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि राजा भैया का क्षेत्र माना जाता है और जो एक समीकरण बना यहां पर वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि राजा भैया वो शख्स हैं जो जिन्होंने बीजेपी को तब से सपोर्ट करना शुरू कर दिया जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस इलेक्शन में ये हुआ कि विनोद सोनकर जो कि कौशाम्बी के मौजूदा सांसद हैं, चूँकि हर कोई जानता है कि राजा भैया और विनोद सोनकर में 36 का आंकड़ा है, तो उस वजह से हालांकि इन चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। वाकई चुनाव दिलचस्प हो चुका है। उमाकांत सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमाकांत सर, ज़ाहिर तौर पर दिल्ली की भी बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली भी चर्चा में है, दिल्ली की लोकसभा सीटें चुनाव को लेकर भी बात लगातार हो रही है, तो ऐसे में दिल्ली पर आप का विश्लेषण क्या है? देखिए बड़ा रोचक है। देखिए जो आज से 10-12 साल पहले आम आदमी पार्टी ने एक आंदोलन किया और उसमें कांग्रेस को सत्ता से हटाया, और हालात राजनीति के हालात होते हैं कि कोई अस्थाई दुश्मन राजनीति में नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गोलबंदी हुई है, बड़ी मजबूत गोलबंदी करने की कोशिश हुई है, लेकिन बहुत बाद में हुई है। समस्या ये है कि जो बुनियादी दिक्कत ग्राउंड पर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें केमिस्ट्री का अभाव झलकता है इस चुनाव में। हालांकि बहुत बाद में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और कांग्रेस और उनका जो साझा रैली दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद ये लगा कि काफी कुछ हालात बदले हैं, लेकिन बड़ा रोचक मुकाबला है, बड़ी टफ फाइट है कई सीटों पर। मुझे लगता है कि बहुत टफ फाइट होने वाली है, और एक जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी एहतियात बरती दिल्ली में, 7 में से 6 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे, और उसके बाद केवल मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से बरकरार रखा गया, लेकिन मनोज तिवारी भी एक कड़े संघर्ष में इस समय फंसे हुए हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी के जो वर्कर है और कांग्रेस के जो साझा वर्कर है वो घर घर जाके उन्होंने पिछले 8-10 दिन से जो माहौल बनाया है, तो एक किस्म से बहुत कांटे की टक्कर है।